हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे ग्रिल्ड चिकन सैंडविच। इसके लिए चिकन को मैंने ग्रिल किया है और मायोनीज के पेस्ट में मिक्स किया है। चलिए इसकी सामग्री नोट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये जो सैंडविच है ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है। लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है ये। इसको आप एक बार ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर ये आपके डेली रूटीन में बहुत ही जल्दी इंक्लूड कर लेंगे इसको। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में तेल थोड़ा सा गरम कर लिया है, जिसमें चिकन के ब्रेस्ट को मैं सेक लूंगी। 200 ग्राम ब्रेस्ट के पीसेस लिए हैं मैंने, जिसमें मैं नमक और काली मिर्च डाल के इसको उलट पलट के अच्छे से सेक लूंगी। दोस्तों, नमक और काली मिर्च दोनों साइड से डालेंगे ताकि चिकन में ये अच्छे से मिल जाए। ये देखिए दोस्तों, चिकन अच्छे से सेक गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसके ऐसे छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, जैसे थ्रेड की तरह निकालते हैं वैसे हम इसके थ्रेड्स बना लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करके हम इसको रेडी कर लेंगे। और अब इसमें आधा कप जितना मायोनीज ऐड कर रही हूँ मैं। दोस्तों, आप मायोनीज अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें फ्लेवर के लिए मैंने आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का डाल लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख लेंगे। और उसके बाद अब हम स्प्रेड तैयार करेंगे। स्प्रेड के लिए हम मस्टर्ड मेयो का यूज करेंगे। आधा कप मायोनीज में एक बड़े चम्मच मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है मैंने। मस्टर्ड और चिकन का जो फ्लेवर है वो एक साथ बहुत ही अच्छा लगता है, इसके लिए इसमें मस्टर्ड मेयो का स्प्रेड यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब हम अपनी ब्रेड सेक लेंगे। ब्रेड सेकने के लिए एक साइड से मैं बटर लगा रही हूँ दोस्तों, दोनों साइड से मैंने मक्खन नहीं लगाया है और बहुत ज्यादा मक्खन मैं नहीं लगा रही इसमें। हमारी ब्रेड जो है वो सिक गई है। इसमें अब जो है मस्टर्ड मेयो वो हम लगा देंगे। दोनों ब्रेड पे अंदर की साइड जिधर हमने मक्खन अप्लाई किया था उधर ही हम इसमें मस्टर्ड मेयो लगा देंगे। और मस्टर्ड मेयो लगाने के बाद दो बड़े चम्मच हमने जो फिलिंग रेडी की है वो फिल करेंगे और दूसरी ब्रेड से इसको कवर करके इसको अच्छे से स्लाइस कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद इसके लिए हम एक डिप रेडी कर लेंगे। डिप के लिए मैंने आधा कप मायोनीज में 3 चम्मच टोमेटो केचप डाला है, आधा छोटा चम्मच ओरिगानो और आधा छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डाला है। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको सैंडविच के साथ एज अ डिप हम सर्व करेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैट्स किचन में।